नीतीश कुमार जो जी जो है ना, वो वैसे ईमानदारी चाहे जो भी कहें लेकिन निकम्मा आदमी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वो निकले हुए हैं अभी यात्रा पर, वो निकले हुए हैं यात्रा पे, पर मैं चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी बने। बिहार के मुख्यमंत्री तो आजकल निकले हुए हैं भ्रमण पर, वो पीएम पद देख रहे हैं 2024 में, क्या कहेंगे इस पर? पीएम पद देख रहे हैं, बिल्कुल देखने में क्या बुराई है जी। तो लग क्या रहा है, बनेगा कौन? बनेंगे मोदी जी बनेंगे, और कौन बनेंगे? मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। डेढ़ साल पहले नीतीश जी निकल चुके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई आया फर्क पड़ता है? अच्छा, और बाकी जो पार्टियां तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस है, तैयारी करते रहेंगे जी। क्या मूड लग रहा है अब 2024 का, कौन बनेगा पीएम? मोदी। मोदी बनेगा? बिल्कुल। झारखंड में तो अपोजिशन है, वहां पर तो जेएमएम है, साथ में कांग्रेस है, तो झारखंड से क्या लेना देना, पूरा ऑल ओवर इंडिया में तो देखिए बेहतर काम के लिए हमें चाहिए मोदी, सुरक्षा है, विकास का उस स्तर में अभी नहीं हो पाया है। झारखंड में बहुत हद तक काम हुआ था, वो बीजेपी के शासन में ही हुआ था। अभी तो रोजगार के नाम पे 5 लाख बोला गया था एक साल में, बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रोजगार। सबसे ज़्यादा रोजगार तो बेरोजगारी झारखंड में ही है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ। अगर पीएम के बारे में पूछ लेते 2014 के पहले तो नहीं पता लोग कि पीएम कौन है, लेकिन मोदी के आने के बाद इतनी लहर हुई कि सभी को मौजवाने याद होता है कि अब हमारे देश के पीएम कौन है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव हो या फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, उनकी समाप्ति हो चुकी है और देश की जनता मूड समझ चुकी है कि आखिरकार अलग अलग राज्यों का मूड क्या है। हम इस समय मौजूद हैं इंडिया गेट पर और यहाँ पर लगातार हम लोगों से राय लेते हैं जो इस समय देश में घटनाएं चल रही हैं, चाहे फिर वो राजनीतिक हो या फिर अन्य विषयों से जुड़ी हुई घटना हो, उसको लेकर लगातार हम लोगों से उनकी राय जानते हैं। और इस समय सबसे बड़ा सवाल यही, जैसा कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के शुरू किया गया था कि 2024 में पीएम मोदी के सामने कौन, आम आदमी पार्टी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल अब जो है मुख्य विपक्षी के तौर पर जो है इस बार उम्मीदवार सीधे जो है पीएम मोदी के सामने होंगे। इसको लेकर लगातार हमने गुजरात की जनता से भी राय ली और इस समय हम इंडिया गेट में जो लोग यहाँ पर घूमने आए हैं उनसे भी राय लेंगे। अब यहाँ जो लोग आए हैं उनसे पूछेंगे कि आखिरकार 2024 में वो किसको पीएम का फेस देखते हैं और इस यूसीसी के रिलेटेड भी उनसे बात करेंगे। ये बात सर, क्या नाम है आपका? मायानंद मिश्रा जी। कहाँ के हैं मिश्रा जी? मैं बिहार प्रदेश के हूँ। बिहार के हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो इस समय देश भ्रमण पर निकले हैं नीतीश कुमार, 2024 में पीएम बनना उनको। नीतीश कुमार जो जी जो है ना, वो वैसे ईमानदारी चाहे जो भी कहें लेकिन निकम्मा आदमी है। इनका जो काम है वो काम इन्होंने जो चल रहा है, जो हम पैदा हुए थे जिस समय में, उस समय में जो एक कोसी प्रोजेक्ट चलाया हुआ था, वो कोसी प्रोजेक्ट जो है आज तक नहीं बना, वो खंडहर बना हुआ है। और ये पैसा कहाँ जाता है, जो इन्होंने पानी वाला किया, जो कि हम टंकी वाला है, वो सब बेकार चला गया। इनका जो मतलब जैसे निकम्मे वाला काम है वो सब सारे काम किए हैं। इनका एक बिजली वाला जो है काम वो चल रहा है, वो अभी तक है फिलहाल, वो थोड़ा सा दिखाई पड़ता है गाँव एरिया। 24 में टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? मोदी जी टक्कर दे देंगे, लेकिन वहाँ का राजनीति जो है वो जातिवाद पर टिका हुआ है। वो चाहे कुछ भी करो, वो थोड़ा जातिवाद वाले लेकर करके बट जाता है। अच्छा, देश भर में कैसे देख रहे हैं आप इस समय जो समीकरण चल रहा है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, ममता बनर्जी अलग मोर्चे पर हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम ही हैं अब तो विपक्ष में और कोई है नहीं, और बीजेपी अपना जो है अपने राज्यों में काम कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं 2024 इलेक्शन? मोदी जी के बराबरी का कोई नहीं है। मोदी जी में एक प्रकार का रुतबा है कुछ करने का, और ये जितने भी है वो सब देख लिया है, और मनमोहन सिंह जी को बना कर करके इन्होंने सारे कांग्रेस जो है गर्त में चला गया है। अब जो कुछ भी है सो वही है, मुस्लिम वोट जहां पर है वहां पर उन्होंने ले लेते हैं। कोई ऐसे यदि वोट में है अंतर जो कि पार्टनरशिप हो जाता है या बट जाता है तो वहां पर वो जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उन कुछ नहीं उनका चलेगा कहीं भी। 24 में फिर मोदी, हाँ मोदी जी को आना ही है, और मोदी जी नहीं रहेगा तो ये देश ही नहीं रहेगा, ये फिर वही होगा मनमोहन सिंह जी का, तो सत्ता कहीं और से चलेगी। और हाँ हाँ हाँ, मोदी जी के बराबरी में निकल, मोदी जी वन है, डन है, एकदम फर्स्ट। सर माय नेम इज शोभा। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं तो बिहार से हूँ पर यहाँ मैं गुड़गांव में रहती हूँ। अच्छा, आप किसको चाह रहे हैं 2024 में पीएम पद पर? पीएम मैं तो चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी ही बने। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी बने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वो निकले हुए हैं अभी यात्रा पर, वो
निकले हुए नहीं यात्रा पे, पर मैं चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी बने। अच्छा, ऐसे क्या कारण है, क्यों चाहिए मोदी जी आप? मोदी जी चाहिए क्योंकि जब वो आए तो सारा डिजिटलाइजेशन हो गया और हमारे बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि नहीं मोदी जी ही जीते। यानी कि जो ने अभी RJD के साथ गठबंधन किया नीतीश कुमार ने JDU ने, उसका कुछ खास प्रभाव नहीं दिख रहा है? नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। थैंक यू जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक विश्वकर्मा है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो आजकल निकले हुए हैं भ्रमण पर, वो PM पद देख रहे हैं 2024 में, क्या कहेंगे इस पर? PM पद देख रहे हैं, बिल्कुल देखने में क्या बुराई है जी। तो लग क्या रहा है, बनेगा कौन? बनेंगे मोदी जी, बनेंगे और कौन बनेगा? मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। डेढ़ साल पहले नीतीश जी निकल चुके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? कोई आया फर्क पड़ता है? अच्छा, और बाकी जो पार्टियां तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस है? तैयारी करते रहेंगे जी। अब आप जो काम कर रहे हो, आपको पता है ना कि आपकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, आपकी कंपनी किसी और को नहीं हायर कर सकती, तो वैसे ही मोदी जी हैं, अभी जब तक तो हैं तब तक तो रहेंगे। मतलब जनता ने डिसाइड कर लिया कि मोदी जी रहेंगे जब तक? जी रहेंगे। अच्छा, ऐसे क्या कारण है जो BJP से खुश हैं आप लोग? सर देखिए, हमारे तो कोई खास स्पेसिफिक नहीं है, जो बिजनेसमैन है उन लोगों के लिए BJP ठीक है, क्योंकि हम तो सर्विस क्लास है, हमारे लिए तो सेम ही लॉज रहते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, हमारे तो टैक्सेस जाना ही है, सब कुछ जाना ही है, तो मेन है कि सर्विस क्लास तो सेम ही है, मेन जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वो खुश है, तो बस सब ठीक है। लेकिन फिर भी बाकी की तुलना में आप BJP जा रहे हैं? बिल्कुल जी। मैम आपका क्या नाम है? साथ में सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार राणा। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। झारखंड के रहने वाले हैं। क्या मूड लग रहा है आप 2024 का, कौन बनेगा PM? मोदी। मोदी बनेगा? बिल्कुल। झारखंड में तो अपोजिशन है, वहाँ पर तो JMM है, साथ में कांग्रेस है, तो झारखंड से क्या लेना देना, पूरा ऑल ओवर इंडिया में तो देखिए बेहतर काम के लिए हमें चाहिए मोदी। सुरक्षा है, विकास का उस स्तर में अभी नहीं हो पाया है, झारखंड में बहुत हद तक काम हुआ था वो BJP के शासन में ही हुआ था, अभी तो रोजगार के नाम पे 5 लाख बोला गया था एक साल में, बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रोजगार, सबसे ज़्यादा रोजगार तो बेरोजगारी झारखंड में ही है। अच्छा, झारखंड में JMM की सरकार है, साथ में है कांग्रेस, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, राहुल गांधी निकले हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए, कैसे देखते हैं उसको, कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे? मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि मोदी का लहर पूरे देश में छा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ। हम ये देखे हैं तो जितना बदलाव मोदी के आने के बाद हुआ, उसके पहले किसी को अगर पूछ लेते कि जो सो मोदी या राहुल गांधी या अगर PM के बारे में ही पूछ लेते 2014 के पहले, तो नहीं पता लोग कि PM कौन है, लेकिन मोदी के आने के बाद इतनी लहर हुई कि सभी को मुझे याद होता है कि अब हमारे देश के PM कौन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इसको, अभी 2024 की रेस में कौन लग रहा है? वही मोदी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों है मोदी? भाई BJP का लहर है भाई, सब जानता जनता है, BJP काम भी कर रही है, हमारी सरकार BJP काम भी कर रही है, ये के सरकार में देख लो भाई क्या हो रही है, तो भाई देख लो अभी को जो वर्तमान में झारखंड की सरकार बनी हुई है, काम पे तो भाई बस उसका आश्वासन है भाई कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देने के नाम पे ठप्पा है। अगर झारखंड का बात करिएगा तो जितना काम रघुवर दास ने किया है, चाहे रोड हो या किसी भी काम हो, राशन व्यवस्था या इलेक्ट्रिशियन जो लाइन वगैरह होते हैं वो सब के, या फिर गैस कनेक्शन, इतने काम हेमंत सरकार नहीं कर पाएगी कभी भी। झारखंड में सबसे पहला 5 साल का सरकार BJP का बना, अभी भी बना है तो वो मिलीजुली सरकार है, वो कभी भी ध्वस्त हो सकती है, आपने बीच में सुना होगा कि सरकार गिरने वाली है, तो ये चलता रहेगा, लेकिन BJP जो है वो बहुमत से जीती थी और अगले बार फिर से जीतेगी, ऐसा कोई इसमें दो राय नहीं है। आपके पास भी आऊंगा मैं, उससे पहले आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो लोगों ने भरोसा जताया था JMM और कांग्रेस सरकार पर झारखंड में जो इस समय, उससे लोग उब चुके हैं।